तांत्रिक की पत्नी शालिनी तांत्रिक से, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तांत्रिक, मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो चुड़ैल मुझे मार देती। इतनी ही देर में पूरे गांव में निशाचरों की तेज आवाजें सुनाई देती है। तांत्रिक, लगता है किसी की बलि दी गई है और ये मरने वाली आत्मा का आवाज है जिसका शरीर नष्ट हुआ है। अब या तो ये आत्मा यहाँ से चली जाएगी या फिर किसी के शरीर में प्रवेश कर लेगी या फिर किसी के द्वारा स्थापित कर दी जाएगी। वरुण, लेकिन ये खेल क्या है? तांत्रिक, ऐसा अक्सर पैसे वाले लोग करते हैं जो किसी की बलि देकर उसकी आत्मा को अपने अनुसार यूज करते हैं। जैसे किसी को रास्ते से हटाना हो या फिर ऑफिस के काम में किसी कागजात का पता लगाना हो, और इन चुड़ैलों का अमीर लोग करोड़ों में सौदा करते हैं। और हाँ, ये अमीर लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इनका यूज करते हैं वरुण, पर इसके लिए तो इन्हें हर रात खून पिलाना पड़ता होगा। तांत्रिक, नहीं, काल रात्रि के टाइम पर ये खून पीती है। वरुण, पर तुम आज अपनी बेटी का खून उस चुड़ैल को क्यों पिलाना चाहते थे? और फिर वो सच बताने ही लगता है, उसे पैरालाइज अटैक आ जाता है, जैसे किसी शक्ति ने ऐसा कर लिया हो। शालिनी, ये तो इसके कर्मों का नतीजा है, तुम लोग इसे नदी में फेंक दो, मर जाएगा वहीं। वरुण, शक्ति, प्रताप और बिरजू चारों उसे डिक्की में डालकर नदी में फेंकने जा रहे थे। उनके रास्ते पर भारी चुनौतियां आ रही थी। उन्होंने बीच रास्ते गाड़ी रोकी और तांत्रिक को वहीं पर मारने की योजना बनाई, लेकिन तांत्रिक राक्षस का रूप लिए हुए था और मानो इन सबको मार देगा। और तब तक वरुण ने तांत्रिक के सिर पर गोली मारी और उसे फिर से डिक्की में डाल दिया और नदी में फेंक दिया। अब चल देते हैं घर की ओर। वरुण को लगता है कि ये तांत्रिक अकेला नहीं बल्कि इसके साथ इस खेल में और कोई भी शामिल है। बिरजू शक्ति से, शक्ति गाड़ी अनिरुद्ध ठाकुर के घर की तरफ घुमा लो, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। वरुण, बिरजू, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे प्रियंका और उसके बच्चे को ढूंढने में, लेकिन बाकी सभी डिसाइड करते हैं कि पहले हमें घर चलना चाहिए, आराम करके फिर वापस आ जाएंगे उन दोनों को ढूंढने। गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी का पीछे वाला कांच चकनाचूर हो जाता है। बिरजू और वरुण पीछे देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तांत्रिक इस वक्त हैरान की शक्ल धारण किए हुए उनके पीछे आ रहा था और वो गाड़ी और तेज भगाते हैं और फिर तांत्रिक कोहरे में गायब हो जाता है। अब सभी लोग डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं आगे वाले चौराहे पर ही इसे मारेंगे, नहीं तो चुड़ैल की तरह घर तक परेशान करेगा। अब फिर से तांत्रिक तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। फिर उसी तरह चारों रस्सी से तांत्रिक को घसीटते हैं और गोली मार देते हैं, लेकिन तांत्रिक कहाँ मरने वाला था। तांत्रिक, तुम मच्छर मुझे मारने चले हो, अब मैं तुम चारों को गांव की सीमा में दफन कर दूंगा।